अस्सलामुअलैकुम जी, वी एस स्टिचिंग आइडियाज़ में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। कुछ ड्रेसेस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए हैं, प्रिंटेड थ्री पीस जो सूट है, किस तरह से मैंने डिज़ाइन किए हैं आप लोगों के साथ स्क्रीन और डिज़ाइन शेयर करती हूँ। ये वीडियो का पहला ड्रेस है, बिन सईद जो ब्रांड है उसके लिए ड्रेसेस है। ये प्रिंटेड सूट है, इस तरह से इसके नेक रेडी की है, ऊपर से राउंड शेप में इसके कटवर्क आ रहे हैं यूँ, ठीक है। और सामने स्लिट है, स्लिट के ऊपर अभी बटन लगने हैं, बटन अटैच नहीं किए, मार्केट जाना नहीं हुआ और बटन नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये इसका दामन है, रेड और ग्रीन इसका कंट्रास्ट है। साइड स्लिट पे जो है मैंने वो छोटे वाली लेस रेड कलर में अटैच की है, और नीचे दामन पे मैंने इस तरह से थोड़ी चौड़े वाली लेस अटैच की है, ठीक है। नीचे भी लेस जो है वो मैंने पलटे के साथ ज्वाइन की है, और साइड जो है चौक्स वहाँ पे भी मैंने पलटे के साथ लेस जो है वो ज्वाइन की है, ठीक है। ये ड्रेस की बैक साइड है, बैक साइड पे राउंड शेप में नेक है, और इस तरह से इसकी ये जो प्रिंट आ रहा है, ये दामन है। दामन जो है वो थोड़ा एयर लाइन स्टाइल में मैंने शर्ट बनाई है, लॉन्ग शर्ट है, थोड़ी सी एयर लाइन है, ठीक है। और बैक दामन पे भी इस तरह से चौड़े वाली लेस रेड कलर में अटैच की है, इस तरह से, ठीक है। साइड स्लिट पे जो है वो बारीक वाली लेस इस तरह से ज्वाइन की है मैंने, रेड कलर का इसको मैंने पलटा दिया। ये इसके स्लीव्स आ रहे हैं, स्लीव्स का इस तरह से प्रिंट बना हुआ है, ये देखें आप। और जो स्लीव्स के आगे जो है वहाँ पे भी छोटे वाली रेड कलर में लेस लगाई है पट्टी के साथ, ठीक है। सारी जो है वो उसको मैंने तुरपाई किया हुआ है पट्टे को, कहीं से भी कोई लेस की वो सिलाई जो है शो नहीं हो रही, ठीक है। इस तरह से आती हूँ, तो ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे इस तरह से डिज़ाइनिंग की है मैंने, ये देखें इस तरह से, ठीक है। ट्राउज़र पे सेम कलर की मैंने बेल लगाई है, रेड कलर की नहीं लगाई, और शर्ट पे जो है वो रेड कलर कंट्रास्ट में मैंने इसको बेल लगाई है, क्योंकि इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ही नाइस और प्यारा सा दुपट्टा है, उसका कलर जो है वो रेड कलर में आ रहा है, ठीक है। ग्रीन कलर के इसकी ट्राउज़र है, तो ग्रीन ही मैंने इसके ऊपर लेस लगाई है, तो बहुत ही प्यारी लग रही है, ठीक है। ये इसका दुपट्टा है, रेड कलर में इसका दुपट्टा है, और जो गोल्डन कलर की इसमें लाइनिंग आ रही है, इस तरह से इसको पट्टी के साथ मैंने लेस अटैच की है, इसकी रेड कलर की दुपट्टे में लेस मैंने ली है, जैसे शर्ट पे रेड थी वैसे ही दुपट्टे पे भी रेड दी है, इस तरह से प्रिंट है इसका दुपट्टे का, बहुत प्यारा लग रहा है ये। तो अब मैं करीब करके दिखा रही हूँ, इस तरह से इसका मैंने नेक रेडी किया है, देखें यहाँ पे जो राउंड कलर के सर्कल मैंने कटवर्क बनाए हैं राउंड, यहाँ पे स्लिट है, स्लिट के ऊपर कोई फैंसी किस्म के मैं बटन अटैच करूँगी, और ये इसका प्रिंट है इस तरह से, ये स्लीव्स आ गए इसके, ठीक है। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे ये डिज़ाइन मैंने बनाया है इस तरह से, ये देखें इस तरह से डिज़ाइन मैंने रेडी किया है ट्राउज़र पे, और ये दामन की जो है लेस आ गई, लेस जो है वो मैंने पलटे के साथ लगाई है, ये साइड के चॉक्स पे भी इस तरह से लेस मैंने रेड कलर की अटैच की है, दुपट्टा है, ठीक है। ये एक और ड्रेस है, इसको मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है, इसके साइड्स पे जो बॉर्डर दिया हुआ था अलग से, ठीक है। पर्पल कलर का ये ड्रेस है, इसको मैंने इस तरह से कटवर्क बनाया है, स्क्वायर में इसका नेक आ रहा है, ऊपर कटवर्क्स आ रहे हैं इसके, यहाँ पे मैंने फिर से ना शर्ट का कपड़ा अटैच किया है अंदर यूँ, और ये लॉन्ग शर्ट है, एयर लाइन में शर्ट रेडी की है मैंने, और ये जो दामन है इसका ऊपर की तरफ पलट के मैंने रखा हुआ है, बॉर्डर जो है इसका ऊपर की तरफ पलटा हुआ है, ये इसकी लेस आ गई, साइड के चॉक्स आ गए, ऊपर मैंने ब्रोकी कलर में लेस लगाई है, जिस तरह से यहाँ पे बॉर्डर का कलर है उसी कलर में मैंने इसको लेस दी है। ये दामन का बॉर्डर आ गया इसका, ये चॉक्स पे जो थोड़े डार्क कलर की मैंने ना पर्पल डार्क कलर की इसको मैंने पलटा लगाया है, ठीक है। सेम कलर का नहीं लगाया, थोड़ा डार्क शेड दिया है। बैक साइड दिखाती हूँ, बैक साइड जो है वो राउंड शेप में नेक इसका मैंने रेडी किया है, सिंपल और स्ट्रेट इसकी शर्ट है इस तरह से, ये देखें ये बैक साइड है, बैक साइड का ये दामन आ रहा है, ये बैक साइड का दामन है,
और इस तरह से इसके भी साइड चौक पर लेस फिक्स की हुई है। पलटा और दामन जो है ना वो मैंने पलट के जब ऊपर की तरफ बॉर्डर लगाया ना तो अंदर ही फिक्स कर दी है इसकी लेस, ठीक है, अलग से मैंने पलटा नहीं दिया दामन पे। और ये स्लीव्स है इस तरह से, ये इसका ट्राउजर है, ट्राउजर पे एक लाइट पर्पल कलर की लेस दी है, यहाँ पे चार पिंटेक्स हैं और ये नीचे फ्रोजी कलर की लेस है जो मैंने शर्ट पे लगाई हुई है। दुपट्टा में दिखाती हूँ आपका आपको, इसका दुपट्टा है, दुपट्टे में बहुत ही प्यारा सा कंट्रास्ट और कलर आ रहे हैं इस तरह से, देखें ये दुपट्टे के कलर आ गए सारे, ठीक है, बहुत नाइस प्रिंट है। और इस तरह से दुपट्टे पे भी मैंने लेस अटैच की हुई है पलटे के साथ। ये एक और वीडियो का ड्रेस है, इस तरह से इसका पांच शेप में नेक बनाई है, ऊपर व्हाइट कलर की इसको पाइपिंग दी है मैंने और ये इस तरह से इसके लटकन मैंने अटैच की है इसको। ये लाइट पैरेट और ऑफ वाइट कलर का कंट्रास्ट है इसके साथ। ये इसका दामन आ गया, दामन पे इस तरह से मैंने लेस अटैच की है इसको फ्रंट दामन पे, और साइड्स के चॉक्स पे जो है वो मैंने इसको डोरी पाइपिंग दी है, ये देखिए आप, ठीक है, ऑफ वाइट कलर में इसको मैंने डोरी पाइपिंग दी है, रेडीमेड डोरी पाइपिंग है, घर पे नहीं रेडी की है, बाजार से लेकर आई हूँ मैं। ये बैक नेक साइड, बैक साइड है इसकी, बैक सेट का नेक जो इस तरह से मैंने रेडी किया है राउंड शेप में, और ये कुर्ती की एयर लाइन मैंने शर्ट रेडी की है, ये सारी एयर लाइन है। इसका बैक साइड का दामन है, ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स का इस तरह से प्रिंट बना हुआ है, ठीक है, स्लीव्स के आगे इस तरह से बेल अटैच की हुई है, बेल देखिए कितनी प्यारी बेल है इसकी, ऑफ वाइट कलर पे इसकी बेल है इस तरह से, ठीक है, स्लीव्स आगे इसके। अब मैं ट्राउज़र दिखाती हूँ, ट्राउज़र का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया हुआ है इस तरह से, ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है, नीचे जो है ऊपर जो है वो पहले कटवर्क्स बना के फिर इस तरह से पिंटेक्स के बॉक्सेस बनाए हुए, और नीचे फिर से इस तरह से पिंटेक्स कटवर्क्स बनाए हुए राउंड शेप पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरह से ले सकते हैं आप, ठीक है। ये इसका दुपट्टा है, ये इसका दुपट्टा है, नीचे जो पल्लू है उस पर इस तरह से बॉर्डर चौरे वाला बना हुआ है, ठीक है, और जो नीचे का पल्लू वाला बॉर्डर है उस पर मैंने ये वाली बेल अटैच की है, और जो लेंथ है लंबाई है दुपट्टे की उस पर ये वाली लेस है, ठीक है, इस तरह से पहले नीचे पल्लू पे ये डिजाइन बना हुआ है इसका इस तरह से, और इस तरह से ये ऊपर का प्रिंट बना हुआ है जैसे बाजू बने हुए थे इस तरह से ऊपर का बना हुआ है, और साइड की जो लंबाई है उस पर इस तरह से बॉर्डर है, और छोटे वाली बेल अटैच की हुई है, और ये नीचे के पल्लू का दामन है,